एकत्र आपण पहिल्यांदाच पक्ष प्रवेशाच्या वेळी दिसताय, काय संदेश द्यायचा आहे की शिवसेना आणि भाजप एक इमोशनल युती, आम्ही 25 वर्ष सोबत राहिलो, ठीक आहे कधी नेत्यांची भांडणं झाली असतील पण आम्ही विचाराने आणि मनाने एक आहोत आणि त्यासोबत आज नीलमताईंचा प्रवेश होतोय, नीलमताईंचे आमचे व्यक्तिगत संबंध देखील आहेत, त्यामुळे साहजिकच माझी देखील इच्छा होती की या प्रवेशाला मी उपस्थित राहावं आणि नीलमताईंना शुभेच्छा द्याव्यात म्हणून मी या ठिकाणी उपस्थित आहे आणि माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी जसं सांगितलं की नीलमताई काही दुसऱ्या पक्षातनं प्रवेश करत नाही आहेत तर आज खऱ्या अर्थानं हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे विचार पुढे नेण्याचं काम हे एकनाथरावजी शिंदे यांच्या नेतृत्वात चाललेलं आहे आणि त्याच विचारांवर विश्वास ठेवून नीलमताईंनी शिवसेनेमध्ये प्रवेश केला होता, त्यामुळे अतिशय रॅशनल अशा प्रकारचा विचार करून त्यांनी हा निर्णय केलेला आहे आणि म्हणून मी आमच्या सगळ्यांच्याच वतीनं नीलमताईंचे मनापासून अभिनंदन। देवेंद्र जी सभापति बिठाने को लेकर चूंकि जो आंकड़ा कम था सरकार के पास अब धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है, अब क्या इस सेशन में सभापति का चुनाव होना तय हो जाए? अभी तो इसके ऊपर हम लोग बैठेंगे तय करेंगे, अभी ये सारी चीजें तय नहीं की है क्योंकि अभी आपको पता है कि हम दोनों हैं और हमारे साथ अभी एक तीसरे मित्र भी है तो सब मिलकर बैठकर इसका निर्णय करेंगे। नीलमताई आलेले आहेत, राष्ट्रवादी काँग्रेस देखील आलेला आहे, अजून काही मिशन असेल तर आता जाहीर करून टाका कारण का सगळ्यांना उत्सुकता की अजून काय बाकी आहे। मला सांगलीच्या जरा पुढे असून येत आहे, एक मिनिट जरा तुम्हाला पुढे सांगलीच्या पुढे कार्यकर्ते या सांगलीच्या पुढे या सुनीता मोरे सांगली महिला स्वस्त लोकतंत्र के लिए पुढे बहुत आवश्यक है, प्रवेश है त्यांचा संजय, उसमें भी मैं ऐसा कहता हूं कि कंस्ट्रक्टिव विपक्ष बरोबर आहे, डिस्ट्रक्टिव विपक्ष नहीं चाहिए, कंस्ट्रक्टिव विपक्ष यानी युवा देश के अंदर जिस प्रकार से डिस्ट्रक्टिव विपक्ष दिख रहा है चंद्रपुर स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, लेकिन हम ये मानते हैं इसीलिए कि विपक्ष में लोग हैं ना। देखिए पहली बात तो ये है कि जैसा उन्होंने अनाउंस किया, अजीत दादा ने भी अनाउंस किया है कि वो भी सभाएं करेंगे, सीएम साहब और मैं तो पूरे राज्य में घूम ही रहे, हमारे तो हर दो दिन बाद एक सभा या तो सीएम साहब की होती है या मेरी होती है, सभाएं हम भी कर रहे हैं। देखिए हमारी सभाओं को भी तो लोग आते हैं ना, 30-30, 40-40 हजार लोग हमारी सभाओं को भी आते हैं, लोकतंत्र है भाई, जिसको सभा करनी करे। सीएम साहब एक साल का योद्धा मैदान में है, 83 साल का योद्धा जब वो कहते हैं नेता को किस तरीके से देखते हैं, चंद्रपुर हमारी उनको शुभकामनाएं है, वो 100 साल तक जिए, जितने साल तक राजनीति करना है करे, अब उनके कुछ लोगों को ये लगता है कि वो 83 साल ऐसा उल्लेख करके एक सिंपथी लेने की कोशिश उनके कुछ कार्यकर्ता कर रहे हैं, हम लोग उसके ओर ध्यान नहीं देंगे। एक पार्टी का प्रमुख घर पे बैठा था इसलिए कुछ उन्हें छोड़कर बाहर निकल आए और दूसरा पार्टी का प्रमुख घर पे बैठता ही नहीं इसके लिए कुछ लोग बाहर